हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके साथ बहुत ही अमेजिंग वीडियो शेयर करने वाली हूँ। गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हमें एंटी एजिंग क्रीम कौन से एज में यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि गाइस हम में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि हमें एंटी एजिंग क्रीम यूज़ करने का सही तरीका क्या है और हमें किस उम्र में एंटी एजिंग क्रीम्स यूज़ करनी चाहिए। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि हमें किस उम्र के हिसाब से हमें स्किन केयर रूटीन फॉलो करना चाहिए। तो गाइस, फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि हमारी स्किन काम कैसे करती है। गाइस, अगर हम अपनी स्किन को टाइम टू टाइम केयर करते हैं, हम अपनी स्किन की केयर भी करते हैं या अच्छे से स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं, तो इससे क्या होता है, जो हमारी डेड स्किन है गाइस वो रिमूव होती है और हमारी स्किन है वो रीन्यू होती है। इससे हमारी स्किन अंदर से ग्लोइंग होती है, हमारी स्किन की जितनी प्रॉब्लम्स गाइस वो रिमूव होती हैं। ये एक लाइफ साइकिल की तरह वर्क करती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारी जो स्किन सेल्स है गाइस उनकी लाइफ साइकिल है वो धीमी बढ़ती जाती है। गाइस, यही वो रीज़न होता है जिससे हमारी स्किन डल लगना स्टार्ट हो जाती है, हमारे फेस पर रिंकल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, आपके फेस पर फाइन लाइन्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो गाइस, यही वो साइन होते हैं जिससे आपकी उम्र है गाइस वो थोड़ी एज्ड लगती है। अब बात आती है कि हमें अपनी एंटी एजिंग क्रीम कब स्टार्ट करनी चाहिए। गाइस, अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा डल है, आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा रिंकल्स लग पड़े होने या फाइन लाइंस की प्रॉब्लम है, तो गाइस ये सभी प्रॉब्लम्स, ये सभी साइंस होते हैं एंटी एजिंग के। तो गाइस, ये सब अगर आपको ऐसा लग रहा हो तो गाइस आपको अपनी एंटी एजिंग क्रीम यूज़ करना स्टार्ट कर देनी चाहिए। और आपको अपनी जो भी एंटी एजिंग क्रीम्स लेते हो गाइस, आपको ध्यान रखना है कि उसमें SPF जरूर हो, क्योंकि गाइस हमारी स्किन को डल करने में, हमारी स्किन जो हमारी एज्ड लगती है गाइस, उसका मेन रीज़न ये होता है सन रेज। अगर उसमें SPF नहीं होगा तो गाइस उसका कोई भी फायदा नहीं होगा आपकी स्किन पर यूज़ करने, क्योंकि गाइस जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल सन का ही होता है हमारी स्किन को एज दिखाने में। तो गाइस इसीलिए आपको जिस टाइम भी आप अपने बाहर भी जाते हो तो गाइस आपको जो सनस्क्रीन अप्लाई करना है, अगर आपके जो एंटी जो आपकी क्रीम है गाइस एंटी एजिंग, उसमें SPF नहीं है, तो गाइस आप अलग से सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस इसीलिए आपको जिस टाइम भी आप, अगर आपकी एज 20+ है, 30+ है, 40+ है, कभी भी आपको सनस्क्रीन स्किप नहीं करना है, आपको हमेशा सनस्क्रीन यूज़ करना है। इससे हमारी जो स्किन है गाइस वो प्रोटेक्ट रहती है, हमें रिंकल्स की प्रॉब्लम, फाइन लाइंस की प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती। गाइस अगर आपको ये सभी प्रॉब्लम्स, तो गाइस आप इसे एंटी एजिंग क्रीम यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो और आपको साथ में SPF वाली ही क्रीम यूज़ करनी है अपना। सो गाइस, हमें बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि हमें एंटी एजिंग की प्रॉब्लम कब से, कौन सी एज से स्टार्ट होती है। वैसे तो गाइस अगर आप अपना अच्छे से स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हो तो गाइस आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस नहीं करनी पड़ती है। अगर आप अच्छे से सनस्क्रीन यूज़ करते हो, आप अपने फेस पर मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हो, तो गाइस आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। बट गाइस जैसे जैसे हमारी उम्र होती जाती है, हमें हमारी जो स्किन है गाइस वो एज लगना स्टार्ट हो जाती है। बट गाइस हमारी 20 से 30 के बीच की उम्र में गाइस हमें ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है रिंकल जैसी। अगर आप अपनी स्किन की केयर नहीं करते हो तो गाइस हो सकते हैं कि आपकी 25 से प्लस में आपको अपनी स्किन डल लगना स्टार्ट हो जाए, आपकी स्किन में रिंकल्स होना स्टार्ट हो जाए या और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाए। बट गाइस 30+ या 40+ से ही हमें अपनी ऐसी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है अगर आप अपनी स्किन केयर नहीं करते हो। एंटी एजिंग क्रीम यूज़ करने से क्या होता है कि आपकी स्किन को गाइस कोलेजन बूस्ट मिलता है, जो कि आपकी स्किन की इलास्टिसिटी है गाइस उसे ये बढ़ाता है, जिससे आपकी जो रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस है गाइस उसे ये रिमूव करता है और आपकी स्किन को एकदम से यंग दिखना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए आपको हमेशा अपने स्किन को एंटी एजिंग क्रीम यूज़ करते रहना चाहिए। साथ ही साथ आपको अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना है, जिससे आपकी स्किन गाइस वो अच्छी रहे, आपकी जो डेड स्किन गाइस वो रिमूव होती रहे और आपकी स्किन ग्लोइंग बनती रहे। 40+ हो तो गाइस आपको डेफिनेटली अपनी स्किन पर एंटी एजिंग क्रीम यूज़ करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप 30+ हो, अगर आपको लगता है कि मेरी स्किन रिंकल्स फ्री है, रिंकल नहीं है, तो गाइस आप थोड़ा देख भी सकते हो। अगर आपको लग रहा हो कि मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा डल है, रिंकल्स की प्रॉब्लम है, तो गाइस आप इसे यूज़ कर सकते हो। गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकती हो। गाइस अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।